हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन सस्टेनेबल फार्मिंग चैनल। दोस्तों दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैं फिर से इस बार अपने कुकुम्बर के पॉलीहाउस में हूँ। तो ये मेरी प्लांटेशन है, अबाउट इनको 21 डेज़ हो चुके हैं। तो 21 डेज़ में रिज़ल्ट देख सकते हैं आप कितना सही है इसमें। अभी कोई भी हार्डली मेरा एक भी प्लांट मतलब कोई डाई नहीं हुई है, तो गिर गया है क्योंकि ज़्यादा लेंथ हो गई है इसकी। अब इसकी टाइंग अप क्या प्रोसीजर नेक्स्ट है स्टार्ट करने पड़ेगा, नहीं तो ये सारे गिर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट हो चुकी है, और देख सकते हैं आप प्लांट पूरे का पूरा हेल्दी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो गलती से मुझसे डिलीट हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इस बार जो मैंने प्रैक्टिकली इस बार थोड़ा पानी की मैंने जो मात्रा रखी वो कम रखी मैंने। तो पानी जो भी है मतलब इनको थोड़ा सा ड्राउट रखना पड़ता है, सूखे जितना सूखा पड़ेगा उतना ये हेल्दी अपने आप को बना पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये कोई कीड़ा इंसेक्ट है। तो ये आपका क्या बोलूँ मैं, हमारी भाषा में तो टिड्डा बोलते हैं उसे, तो उसकी वजह से है। लेकिन अभी इसमें स्प्रे मारने को है तो ये रिकवर हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने आप देख सकते हैं मैक्सिमम कोई भी प्लांट मतलब एक भी प्लांट नहीं गया है इस बार मेरा। तो पिछली बार जो मैंने अबाउट मार्च के आसपास प्लांटेशन की थी उसमें काफ़ी प्लांट, तो मुझे सबसे पहले तो चूहे की प्रॉब्लम आई, लेकिन इस बार एक भी चूहा नहीं लगा। क्योंकि पिछली बार अबाउट 200 सीड्स के पास तो मेरा चूहों ने ख़त्म कर दिया था, तो इस बार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल हेल्दी है। तो इस बार तो सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा ज़्यादा मैं चला हूँ, तो इस बार जब प्लांटेशन की उस टाइम ही थोड़ी नमी देनी पड़ती है, उसके बाद सीड्स अपने आप आपकी फटाफट निकलनी शुरू कर देती है। और देख सकते हैं आप 21 डेज़ में रिज़ल्ट क्या है, काफ़ी फास्ट ग्रोथ है इसकी। अब बांधने की प्रोसेसिंग भी जल्दी ही करनी पड़ेगी, देख सकते हैं आप ओवरऑल में। अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस जो मैं कंसल्ट करता हूँ, मैं रिज़कज़्वान वालों के जो उनके कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं से डायरेक्ट कॉल करके पूछता हूँ मैं कि क्या करना चाहिए। तो इस बार उन्होंने बताया कि आपको इमिडाक्लोप्रिड के लिए स्प्रे करने के लिए कहा है उन्होंने, और एक M45 के लिए कहा है कि उसे भी मतलब एक फंगीसाइड है वो, तो वो भी स्प्रे कर सकते हैं। तो देखते हैं अब, वैसे प्लांट काफ़ी हेल्दी है चल रहा। अब नेक्स्ट एक और प्रोसेस बताया उन्होंने कि जैसे आप देख सकते हैं इसमें कम से कम 4-5 धागे लगे हुए मेरे कंटिन्यू, ये सिंगल धागा ही सपोर्ट करना है बोला, क्योंकि डबल करोगे तो ग्रिप नहीं बना पाता बोला। अब ये तो मैं प्रैक्टिकल करके पता लग गया इस बार, क्योंकि पिछली बार बहुत मैशिंग हो गई थी मेरे साथ। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बेकार हुआ तो अच्छा हुआ, वैसा कुछ नहीं, बस ग्रिप की प्रॉब्लम आती है, नहीं तो टाइप बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो और मैं कहना चाहूँगा थैंक्स दोस्तों जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, और जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपना कि जो सब्सक्राइबर रेशियो है वो काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, मतलब डेली के मेरे साथ कोई ना कोई जुड़ रहा है, तो मुझे भी अच्छा फील होता है। फिर काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं। दोस्तों जितना मैं हो सकता हूँ अपनी तरफ से बता पाता हूँ, जितना मैं फ्री टाइम दे सकता हूँ अपनी तरफ से मैं उतनी मदद कर सकता हूँ। लेकिन इसीलिए मैंने अपना जो ग्रुप चलाया हुआ है इंडियन सस्टेनेबल फार्मिंग करके, तो उसमें सभी को ऐड किया है ताकि सब अपनी राय दें, इससे मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, दूसरों को भी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा नॉलेज वाला हूँ, आई एम ऑल्सो यार लिमिटेड, मुझे अभी स्टार्ट किए हुए हाल 2 साल हुए हैं, तो जितना मैं अपना नॉलेज बांट सकता हूँ उतना मैं बांटने की कोशिश करता हूँ। तो आप सबका धन्यवाद जो आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं उस ग्रुप पे। तो बस इतना कहना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो कॉमेंट्स में ज़रूर डालें। तो तब तक के लिए थैंक्स।